नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय और मराठी फिल्म के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक राजा परांजपे, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मराठी सिनेमा के मशहूर कलाकार राजा परांजपे अपनी कला के साथ प्रयोग करते थे और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश के लिए जाने जाते थे। अभिनेता फिल्म निर्माता ने अपने करियर में 29 फिल्मों का निर्देशन किया। राजा परांजपे मराठी सिनेमा के दिग्गजों में से एक थे। अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता परांजपे एक बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कई हिट और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों का निर्देशन भी किया। वो अपनी फिल्मों में प्रयोग करते थे और हमेशा कुछ नया करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कॉमेडी हो, सोशल ड्रामा हो, सस्पेंस थीम हो, रोमांस हो, पौराणिक कथा हो या फिर हॉरर, हर शैली की फिल्में बनाई। राजा परांजपे ने अपने अभिनय की शुरुआत बाबूराव पेंटर के सामाजिक नाटक सावकारी पाश, जो कि 1936 में आया था, इससे की। फिल्म में परांजपे ने क्रांतिकारी साहूकार के बेटे का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भालजी पेंडारकर की संत कन्हो पात्रा 1937 और वी शांताराम की मानुषनी आदमी 1939 जैसी सामाजिक नाटकों में अभिनय करके अपना लोहा मनवाया। राजा परांजपे के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आना आसान नहीं था। 24 अप्रैल 1910 को राजा परांजपे का जन्म पुणे में हुआ। राजा परांजपे को बचपन से ही थिएटर में गहरी रुचि थी और वे स्कूल के नाटकों में नियमित रूप से भाग लेते थे। सिनेमा के मुख्य युग में जब फिल्म प्रदर्शित हो रही थी तो थिएटर मालिक स्क्रीन के पीछे से एक विशेष संगीत बॉक्स में कुछ संगीतकारों के साथ लाइव संगीत बजाने की व्यवस्था करते थे। राजा परांजपे शौकीन विशेष रूप से उन संगीतकारों की सहायता करते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान परांजपे की मुलाकात गोदावरी सिनेटन के संगीतकार बापूराव केतकर से हुई। संगीत में उनकी गहरी रुचि को देखते हुए केतकर ने परांजपे को उनके सहायक के रूप में नियुक्त किया। बाद में उस दौर के मशहूर रंगकर्मी केशव राव दाते की सिफारिश परांजपे की थिएटर कंपनी नाट्य महोत्सव में काम करने का मौका मिला। उस समय एक नाटक का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस नाटक के अभिनेता का अचानक निधन हो गया और राजा परांजपे को अंतिम समय में प्रतिस्थापित के रूप में लिया गया। कुछ इस तरह हुई उनकी पेशेवर किरदार की शुरुआत। बाद में केशव राव दाते ने राजा परांजपे को पेंटर की सावकारी पाश 1936 में सावकर के पुत्रों की भूमिका निभाने में मदद की। हालांकि अभिनय परांजपे का पहला प्यार था, लेकिन उन्हें फिल्म निर्माण के तकनीकी सिद्धांतों, प्रयोगशाला के निर्देशनों में गहरी रुचि थी। कला सीखने के लिए उन्होंने 1937 में भालजी के सहायक निर्देशक के रूप में शुरुआत की। वो पेंडारकर की फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। अंततः कुछ वर्षों तक सहायक के रूप में काम करने के बाद राजा परांजपे ने स्वयं एक फिल्म निर्देशन करने का निर्णय लिया। उनका पहला प्रोजेक्ट जीव शाखा 1948 था। इसका निर्माण प्रभात फिल्म कंपनी द्वारा किया गया और इसमें चंद्रकांत गोखले और सुलोचना ने अभिनय किया था, जो आगे चलकर लोकप्रिय अभिनेता बने। इस फिल्म की उस समय कड़ी आलोचना की गई, जिसमें साहूकार अशिक्षित किसानों को कर्ज देकर उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया करता था। राजा परांजपे ने
पहली बार अपने निर्देशन में अपना कौशल दिखाया। ये फिल्म ऐसे समय में ताजी हवा के शोक के लहर की तरह थी जब मेलोड्रामा एक बड़ा विक्रय बिंदु था। इतने गंभीर मुद्दों को सामने लाते हुए परांजपे ने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म कभी भी ड्रामा न लगे और चरमोत्कर्ष के असाधारण के साथ ये विषय के यथार्थवादी संचालन के प्रति सत्र रहे। उसी वर्ष राजा परांजपे ने अपनी दूसरी निर्देशित फिल्म बलिदान या द सीक्रेट फाइल रिलीज की। ये फिल्म हिंदी में दो कलियां नाम के साथ एक साथ रिलीज हुई थी। 1950 में राजा परांजपे ने अपनी तीसरी फिल्म पुच्छे पाल रिलीज की। जैसे कि शीर्षक से पता चलता है कि पुच्छे पाल ने पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में बताया है। फिल्म की स्क्रिप्ट 20वीं सदी के मराठी के दो प्रमुख वैज्ञानिकों पीएल देशपांडे और जीडी मुदगुलकर का एक सहयोग प्रयास था। लेकिन फिल्म की सबसे खास बात इसकी लोकेशन थी। देशपांडे जो अपने प्रारंभिक पत्र पुला से प्रतिष्ठित थे, इसमें उन्होंने किसान के मुख्य भूमिका निभाई जो दलित महार समुदाय से आते हैं। किसान एक उत्कृष्ट ढोलकी वादक है। फिल्म में उनके गांव से जहां कथित कलाकारों द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, एक शहर तक की उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है जहां वो एक संगीतकार के रूप में तमाशा समूह में शामिल होते हैं। परांजपे ने किसी भी पक्ष को खलनायक बनाए बिना बड़े शहर में जाने के फायदे और नुकसान दोनों पर प्रकाश डाला। इस फिल्म में फड़के का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ। रिवायत अभंग, माझा महार पंडरीनाथ दो सामाजिक नाटकों के बाद परांजपे ने अपने शिल्प के साथ प्रयोग करने का निर्णय लिया और अपने अगले निर्देशित उद्यम के लिए एक पौराणिक कथा के कथानायक का निर्णय लिया। फिल्म का नाम श्री कृष्ण सत्यभामा जो कि 1951 में आई। इसे मराठी और हिंदी में एक साथ रिलीज किया गया था। इससे पहले अभिनेता और सहायक निर्देशक के रूप में परांजपे ने अपने 14 साल के करियर में कभी किसी पौराणिक फिल्म में काम नहीं किया था। परांजपे की पेड़ गावचे सहाणे 1952 न केवल फिल्म निर्माता के लिए थी बल्कि मराठी सिनेमा के लिए भी एक माइलस्टोन फिल्म थी। ये फिल्म एक रिकॉर्ड की कहानी थी जिसे विवेक की धारणा पर ही उठाया गया था। निर्देशक और अभिनेता के रूप में अपनी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक परांजपे ने काका सहाणे की भूमिका निभाई जो एक समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे जो अपने दोस्त का ऑपरेशन करने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। शहर से भागकर डॉक्टर अफ्रीका के जंजबार में अपने लंबे समय से खोए हुए चाचा होने का नाटक करके एक परिवार के साथ आश्रय पाते हैं। परिवार आधुनिकता से नष्ट हो चुका है। माँ एक ड्राइवर है, बेटी एक नर्तकी है, बेटा एक रेस का शौकीन है। संभवतः अमीर चाचा पैसा पाने की कोशिश करता है। पागल अंततः परिवार को सुधारता है और विवेक की तर्कवादी धारणाओं की निंदा करता है। परांजपे काम के प्रति अपनी अतृप्त भूख के लिए जाने जाते थे। उस युग के अन्य निर्देशकों के विपरीत जिसमें एक फिल्म निर्माण में बहुत समय लगा, परांजपे ने लगातार काम किया। 1948 में अपने निर्देशन की शुरुआत से लेकर 1956 तक उन्होंने लगभग 16 फिल्मों का निर्देशन किया। अकेले 1956 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई। आमतौर पर जब निर्देशन किया जाता, इतनी तेज गति से काम किया जाता है तो वे अपने दृष्टिकोण पर कई तरह के काम करते हैं और अंतिम उत्पादन अक्सर असंतोष पैदा करते हैं। परांजपे के साथ ऐसा नहीं था। एक साथ काम करने के बावजूद उन्होंने कभी अपने दृष्टिकोण से सहमति नहीं जताई। ये बात उनकी फिल्मोग्राफी से स्पष्ट है। परांजपे की जीवाचा सखा पुच्छे पाल, लखांची गोश्ते 1952 और पेड़गावचे सहाणे जैसी शुरुआती कृतियों में सत्य और पैसे की लालसा एक आदर्श विषय थी।
उनके प्रमुख निर्देशक कौशल के साथ साथ उनकी सफलता का एक और प्रमुख कारण था कलाकारों के साथ काम करने की उनकी आदत थी। अपनी प्रारंभिक फिल्मों में परांजपे ने लेखिका, कवि, अभिनेता मडगुलकर और गायक इगल फड़के जैसे कलाकारों के साथ काम किया था। कला बदल गई, लेकिन ये दोनों वाजपेयी के अधिकांश प्रारंभिक उद्यम में थे। विशेष संगीत उनकी फिल्म एक और बड़ा लक्ष्य था। वो हमेशा अपनी फिल्म में गाने को डायलॉग की तरह इस्तेमाल किया करते थे। वो हमेशा फड़के से सर्वश्रेष्ठ संगीत निकलवाते थे। सहजता से शोक गीत हमेशा कथा का हिस्सा होते थे और कहानी को पूर्णता प्रदान करने के लिए उसे आगे ले जाते थे। संगीतकार बाबूराव केतकर के सहायक और संगीतकार के रूप में परांजपे का अनुभव यहाँ काम आया। 1956 के बाद परांजपे ने 3 साल का विश्राम लिया। लगातार फिल्म सेट पर रहने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ गया। 3 साल बाद परांजपे ने बाप बेटा 1959 के साथ रिटर्न की, जो उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। अशोक कुमार ने इसमें अभिनय किया था। ये फिल्म सफल रही। अपनी दूसरी पारी में परांजपे ने अपनी फिल्म निर्माण की गति धीमी कर दी और केवल 13 और फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें आखिरी फिल्म आधार जो कि 1969 में आई। उनके काम ने पुरस्कार जितना जारी रखा। सुहासिनी 1961 ने उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार में 2रा पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने माझा मार्ग एकला 1963 का चित्रण किया, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 1 राज्य पुरस्कार जीता। हाँ, माझा मार्ग एकला सचिन पिलगांवकर जी। हाँ दोस्तों, आज के जमाने के मशहूर एक्टर और निर्देशक सचिन पिलगांवकर की पहली फिल्म होने का कारण यही था। यहीं पर उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मात्र 5 वर्ष की उम्र में सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। पैथलैब 1964 एक सस्पेंस ड्रामा था, जिसमें डॉक्टर काशीनाथ गणेकर और भावना ने व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप में अभिनय किया। ये परांजपे कैरियर की सबसे सफल फिल्म थी। अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता। पथलाग को बाद में तमिल में इथाया कलकम 1965 और हिंदी में मेरा साया 1966 में रूपांतरित करके बनाया गया। आधार 1969 के बाद परांजपे ने फिल्म छोड़ दिया, लेकिन कुछ और वर्ष तक अभिनय जारी रखा। राजा परांजपे का निधन 9 फरवरी 1979 को पुणे में हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।